हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 10। यू नो वेरी वेल दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीडिंग एंड राइटिंग स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट रीड करते हैं, इन एनी पॉपुलेशन अबाउट 10% ऑफ द पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। सो मीन्स किसके ऊपर आपका लेफ्ट हैंडेड के बारे में बात की गई है। एंड दिस फिगर रिमेन्स ब्लैंक स्टेबल ओवर टाइम। सो कोल्ड हैंडनेस रन्स इन फैमिली अबाउट कोज इट वाई द प्रपोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड। अगेन लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। सो ये किसके बारे में आपका लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड के बारे में है। पीपल इज अ कॉन्स्टेंट आर स्टिल अ मिस्ट्री। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इन एनी गिवन पॉपुलेशन अबाउट 10%। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारा जो पैसेज है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा पैसेज है वो हमारा है लेफ्ट हैंडेड के ऊपर है एंड राइट हैंडेड यानी कि हैंडनेस के ऊपर है। सो इसमें क्या है, अबाउट 10% ऑफ पीपल आर लेफ्ट हैंडेड एंड दिस फिगर रिमेन्स, कि वो रिमेन्स क्या रहेगी। अब यहाँ पर है स्टेबल ओवर टाइम, यानी कि एडजेक्टिव है, स्टेबल बता रखा है। सो एडजेक्टिव से पहले हमारे पास आती है एडवर्ब। सो रिलेटिव हमारा कोई एडवर्ब नहीं है एंड दस हमारा क्या होता है, कंक्लूजन के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्लोजली एंड रिलेटिवली। तो क्लोजली होगा कि रिमेन्स क्लोजली स्टेबल, कि उसके आस पास ही रहेगा स्टेबल। बट रिलेटिवली, रिलेटिवली का मीन्स है कि वो उसके जैसा वो है वो वैसा स्टेबल रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिलेटिवली, रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल। उसके बाद हमारे पास है सो कॉल्ड हैंडीनेस रन्स इन फैमिली बट व्हाट कॉजेस इट एंड व्हाई द प्रोपोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड टू राइट हैंडेड पीपल इन अ कॉन्स्टेंट आर स्टिल अ मिस्ट्री। अब यहाँ से रीड करते हैं, वन थिंग वी डू नो इज दैट हैंड। अब हमें क्या जानने की जरूरत है, हम जानते हैं इज दैट हैंड ब्लैंक डोमिनेंस प्रपोर्शन स्ट्रेंथ बैलेंस इज रिलेटेड टू ब्रेन असमिट्री एंड इट सीम्स टू बी जनरली अग्रीड दैट अ ह्यूमन ब्रेन इज प्रोफाउंडली असमिट्री एंड दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस वर्क विल टेल अस अबाउट हु वी आर एंड हाउ आर ब्रेन्स वर्क। अब कि क्या चीज़ हमें ये बताएगी कि जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ है जो उसे वर्क करवाती है। सो यहाँ पर क्या है, वन थिंग वी डू नो, हमें हम जानते हैं इज दैट हैंड। अब हैंड का क्या जानते हैं हम, रिलेट करता है ब्रेन के साथ। प्रपोर्शन हैंड की अलग प्रपोर्शन है, ब्रेन की अलग है। सो यहाँ पर कोई अमाउंट की बात नहीं है तो प्रपोर्शन नहीं आएगा। स्ट्रेंथ कंपैरिजन नहीं चल रहा कि इसमें से कौन आपका ज़्यादा पावरफुल है। बैलेंस, हम कोई चीज़ वे करके नहीं देख रहे या फिर उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको हम बैलेंस नहीं कर रहे। यहाँ पर आएगा आपका डोमिनेंस, कि जो मेन है उनके बीच में क्या रिलेशन है आपका, हैंड के बीच में एंड ब्रेन के बीच में कैसे वो वर्क करते हैं, ये आएगा। उसके बाद है ब्रेन फंक्शन इज, कि जो ब्रेन फंक्शन है इज फिगर्ड चेंज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एडिड इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। कि जो ब्रेन के फंक्शन हैं वो हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस किस के बीच में, इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। एंड दिस इज अ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। थॉट मेमोरी एंड परहैप्स इवन क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ से अब देखो क्या चीज़, ब्रेन फंक्शन इज ब्लैंक, क्या किए जाएंगे, फिगर्ड, कोई डेटा नहीं निकाला उनका। चेंज्ड ब्रेन फंक्शन को हम चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, वो जैसा डिसाइड हुआ है, जैसा वो वर्क करता है वो वैसा ही वर्क करेगा। आगे है एडिड, एडिड क्या चीज़ हम ऐड कर रहे हैं ब्रेन फंक्शन में, यहाँ पर है कि जो ब्रेन फंक्शन है उसके जो वर्क है उसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है राइट हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। सो बिल्कुल इजी है कि इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट रीड करते हैं, फॉर राइट हैंडेड पीपल लैंग्वेज क्रिएटिविटी इज मेनली ऑन द लेफ्ट साइड, कि राइट हैंडेड के लिए जो लैंग्वेज होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। मैनी लेफ्ट हैंडर्स ऑल्सो हैव लेफ्ट साइड लैंग्वेज डोमिनेंस, ज़्यादा उनका लेफ्ट साइड में लैंग्वेज का डोमिनेंस रहेगा, मेन काम वहाँ पर रहेगा। बट अ सिग्निफिकेंट, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर में हैव लैंग्वेज इधर मोर ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ हेमिस्फीयर्स और एल्स प्रिडोमिनेंटली ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, कि मेन तो आपकी राइट साइड में भी रहती है लेकिन मोर ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ हेमिस्फीयर में भी रहती है। अब मोर लार्जली क्या, पहले ही वो मोर बता रहा है उसको, फिर मेनली
मेनली कि सिर्फ इसी में मेन नहीं, बेरली मुश्किल से आएगा आपके पास, इवनली कि इवनली उस दोनों में क्या रहती है वो इक्वल आपकी क्या रहेगी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिकॉज लेफ्ट हैंडेडनेस इज सीन एज अ की टू द कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर लिंक्स। अब क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं फॉर लिंक्स के साथ, टू अदर कंक्लूजन्स, राउंड अबाउट्स, प्रेफरेंसेस, कंडीशंस इंक्लूडिंग इम्यून डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो मीन्स क्या है कि वो क्या कर रहे हैं आपका, ये सारी की सारी आपकी होती है कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, सर्चिंग फॉर लिंक्स टू अदर कंक्लूजन, कंक्लूजन पहले कोई चीज़ फाइंड आउट करेंगे तभी आप कंक्लूजन देंगे, फिर राउंड अबाउट कि उसके आसपास, राउंड अबाउट उसके इर्द गिर्द, ये भी नहीं, प्रेफरेंसेस अभी पहले सर्च होगी तभी प्रेफरेंसेस आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा कंडीशंस, ये वो क्या कर रहे हैं इन कंडीशंस के लिंक क्या कर रहे हैं अभी वो सर्च कर रहे हैं ताकि आगे कुछ रिजल्ट निकाला जा सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करेंगे बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हैं, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम यूके। अब किसके बारे में है ये, यूके में जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैलेंजिंग टाइम की बात चल रही है यहाँ पर। फिर एंड वी शुड बी मेकिंग देयर ब्लैंक कन्फर्मेशन ट्रांजिशन अग्रीमेंट पेमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ईजियर, कि उनका क्या करना कि हम क्या कर रहे हैं, वी शुड बी मेकिंग देयर, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी से कि उनका जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो वो ईजियर हो, नोट हार्डर, मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर क्या है, देखो कन्फर्मेशन, अब हम कोई चीज़ कन्फर्म थोड़ी ना कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई चीज़ कन्फर्मेशन आई हुई है। देन हमारे पास है ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन में भी आपको हो सकता है कि हम उनके लिए जो सिचुएशंस हैं वो बेटर बनाएं, उनका वहाँ पर रहना लाइव लिव कर रहना उनका। फिर आगे आपका है अग्रीमेंट, कोई हम कंपनी में जॉब नहीं करें कि जो हम अग्रीमेंट करें। देन पेमेंट, पेमेंट की भी बात नहीं है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा कि हम क्या करें उनकी जो ट्रांजिशंस है उसको क्या करें, उनको फ्रॉम यूनिवर्सिटी से अच्छा करें ताकि उनका जो रहना हो वो क्या हो, ईजी हो वहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द ब्रिटिश अकेडमी हैज ब्लैंक वॉइस्ड एक्सेप्टेड सीन डिसगस्ड इट्स कंसर्न ओवर द ग्रोइंग लैंग्वेज डिफिसिट फ्रॉम सम ईयर्स एंड द ग्लूमी स्टैटिक स्पीक फ्रॉम फॉर देमसेल्स। अब यहाँ पर क्या हिंट मिली हमें, स्पीक फॉर देमसेल्स एंड यहाँ पर है हमारे पास ग्रोइंग लैंग्वेज डिफिसिट, कि जो लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट्स आ रहे हैं कि कोई कोई लैंग्वेज प्रोनाउंस कर रहा है उसमें जो उनको एरर्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज की बात है, यहाँ पर स्पीकिंग की बात है कि वो खुद के लिए आवाज़ उठाएं। सो यहाँ पर हमारे पास ऐसा रिलेटेड वर्ड कौन सा है, वो है वॉइस्ड, कि हैज वॉइस्ड, उन्होंने भी क्या किया है, वॉइस उठाई है, अपनी आवाज़ उठाई है उन स्टूडेंट्स के कंसर्न में, उनके हित में। देन वी नीड डिसीजिव एक्शन, कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन लेने चाहिए, इफ़ वी आर, कि अगर हम ब्लैंक रिपोर्टिंग कंप्लीटिंग रेमिडाइंग रिपीटिंग दिस वर्सनिंग सिचुएशन, कि अगर हम इस सिचुएशन से क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं ताकि ये कंडीशन वर्सनिंग ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीसिव एक्शन लेने पड़ेंगे इफ़ वी आर। अब हम क्या चाहते हैं, रिपोर्टिंग सिचुएशन की रिपोर्ट किसके साथ करेंगे, कंप्लीटिंग, कंप्लीट नहीं करना चाहते सिचुएशन को, रेमेडाइंग करना चाहते हैं हम, इसका सोल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालना चाहते हैं ताकि ये क्या हो जाए, हमारी सॉल्व हो। फिर द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाई विद इन स्कूल, स्कूल के साथ लाई करता है, बट वाइस चांसलर्स हैव द पावर टू ड्राइव चेंज, वो ड्राइव कर सकता है चेंजेस को, फोर्स ला सकता है उनमें, आगे बढ़ा सकता है, एंड हेल्प देयर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, हेल्प देयर स्टूडेंट्स हैंडल द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, नहीं कि एंड अबाउट द कंट्रीज वेयर दे आर स्पोकन एंड द कल्चर्स दे सस्टेन। हेल्प किसमें करेगा, स्टूडेंट की, कि देयर स्टूडेंट्स, अब इतनी सारी चीज़ों को क्या करेगा वो ट्रीट नहीं
किस चीज़ को ट्रीट थोड़ी ना करना कि वो सिर्फ एक इंसान को ट्रीट कर रहा है, एक चीज़ को ट्रीट कर रहा है। अंडरएस्टिमेट उनको आंकना ये भी नहीं है कि उनको कम आंके। यहाँ पर आएगा रिकॉग्नाइज, उन सभी का क्या करेगा वो बैलेंस बनाएगा, हेल्प देयर स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस, उस इम्पोर्टेंस को पहचानने में, उनको इम्प्रूवमेंट करने में, और ताकि वो वहाँ पर क्या करे उनके कल्चर को सस्टेन कर सके। नेक्स्ट है, वी अर्ज देम टू एक्ट एंड प्रोटेक्ट दिस कंट्रीज लॉन्ग टर्म इकोनमी। कि वो क्या चीज़ देखते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि आपका जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा आप इन कंट्री की इकोनॉमिक को, सोशल को एंड कल्चरल को। अब कौन सी अजम्पशन, हम कोई आइडिया थोड़ी ना लगाएंगे कि हाँ ये अजम्पशन हो सकती है। डेटा, डेटा को भी कल्चरल कोई डेटा थोड़ी ना होगा। कंसेप्ट, कंसेप्ट किसी एक टॉपिक की बात नहीं है। तो यहाँ पर आएगी स्टैंडिंग की, उनके सारे जो भी आंकड़े हैं, उनके रूल रेगुलेशन हैं, उन सभी को क्या करेंगे मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरसेस हैव बीन अ ब्लैंक ऑफ लाइफ एटलीस्ट सिंस द 1980s, इफ नॉट बीन दे कैन कोज कंपनीज टू लॉस आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम एंड दे कैन ऑल्सो स्प्रेड पैनिक अमंग कंप्यूटर यूजर्स एवरीवेयर। सो किसके ऊपर है ये, हमारा कंप्यूटर के ऊपर है। और यहाँ पर भी हमें क्या दिया, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में दिया है। तो कंप्यूटर वायरसेस हैव बीन अ, तो कंप्यूटर वायरसेस हैव बीन क्या हुआ, ब्लैंक लिंक वर्ड फैक्ट वर्च्यू ऑफ लाइफ एटलीस्ट सिंस द 1980s, ये 1980s से, इफ नॉट बिफोर, उससे पहले नहीं नहीं होगा। तो कंप्यूटर वायरसेस हैव बीन ए, अब हैव बीन ए क्या है, लिंक है ऑफ लाइफ का, लाइफ का कोई लिंक नहीं है इससे। फिर वर्ज की एंड है, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जो बॉर्डर होता है वो चीज़ है नहीं। फैक्ट की एक सच्चाई है, एक रिलेशन है इसका इसके साथ, मे भी हो सकता है। वर्च्यू होता है आपकी जो महानता होती है, जो बिल्कुल महान महानता वाले काम होते हैं वो आपका वर्च्यू है। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि जो आपका कंप्यूटर वायरसेस होता है वो क्या होता है, एक फैक्ट होता है लाइफ का। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, फैक्ट आएगा। दे कैन कोज कंपनीज ऑफ कंपनीज टू लॉस आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम, कि कंपनीज को भी इसके कारण लॉस होता है। एंड दे कैन ऑल्सो स्प्रेड पैनिक अमंग कंप्यूटर यूजर्स एवरीवेयर, उनको क्या करते हैं पैनिक करते हैं कंप्यूटर यूजर्स को। देर आर हाउ एवर सेवरल, कि देर आर कि हालांकि यहाँ पर क्या है, देर आर हाउ एवर सेवरल ब्लैंक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्शंस, कि बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर इन्फेक्शंस हैं। ऑल लूजली रेफर टू एज वायरसेस, और ऑल ज़्यादा की बात है तो ऑल लूजली रेफर टू एज वायरसेस, और सभी को वायरसेस बोलेंगे। एंड दे ईच वर्क इन स्लाइटली डिफरेंट वे, और हर एक क्या करेगा डिफरेंट वे वो करेगा। सो देखो यहाँ पर आया ऑल, यहाँ पर आया ईच वर्क और डिफरेंट वेज। सो यहाँ पर क्या है, सेवरल मीन्स ज़्यादा की बात है, बहुत सारे टाइप की बात है। सेवरल सक्सेसिव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्शन, कि बढ़ते हुए, सेवरल बढ़ते हुए सक्सेसिव, एक के बाद एक आगे आने वाला, सक्सेस सक्सेसफुल हैं जो, ये नहीं आएगा। यहाँ पर तो अभी बात चल रही है कि अभी वो आगे आगे रेफर कर रहे हैं और सभी अपने अपने काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। फिर आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आपका होता है कि जो कोई भी चीज़ आपकी क्या है अलग है, डिफरेंट है। डिस्क्रीट आपका होता है कि वो चीज़ क्लेवर है या फिर सेंसिबल है आपकी, ये भी नहीं आएगा। ओपेक्यू होता है जिसमें से कोई भी चीज़ आर पार ना दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या हैं हमारे पास, वायरसेस हैं। फिर आगे आपके पास क्या है, यहाँ से देखो, देन देर इज द ट्रोजन, कि जो ट्रोजन है विच स्ट्रिक्टली ब्लैंक, ट्रोजन एक पर्सन का नेम है यहाँ पर, विच स्पीकली स्ट्रिक्टली ब्लैंक इट इजंट अ वायरस, अब इजंट अ वायरस बट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अपीयर्स टू डू वन थिंग बट एक्चुअली डज समथिंग मेलिशियस इंस्टेड, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है ये कोई और चीज़ नहीं है, जो आपका वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर उसने क्या किया, विच स्ट्रिक्टली, जो कि क्या करा, स्ट्रिक्टली डूइंग, अब डूइंग पहले कुछ करना तो पड़ेगा तभी आगे कुछ यूज करेंगे हम, ये भी नहीं। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन इजंट अ वायरस, स्ट्रिक्टली डन, क्या किया उसने पहले, फिगर्ड, फिगर्ड भी नहीं कि उसने कोई हमें वो थोड़े देर के नंबरिंग थोड़े नहीं दिया। तो यहाँ पर आएगा जो कि स्ट्रिक्टली बोलता है, विच स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ही इजंट अ वायरस, वो बोल रहा है यहाँ पर क्या है हमारे पास, इजंट अ वायरस, ये वायरस नहीं है। नेक्स्ट रीड करो,
यहाँ से विथ ट्रोजन्स यू हैव टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल बिकॉज दे कैन ऑफ्टन बी इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ मैसेज। अब उन्होंने क्या कहा कि आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ ए मैसेज, मैसेज से भी होगा, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से एन एंटीवायरस प्रोडक्ट से, और उससे जो एक एंटीवायरस प्रोडक्ट नहीं होगा। सो व्हाट मोटिवेट समवन टू, तो क्या मोटिवेट करता है समवन को इसलिए, सो व्हाट मोटिवेट समवन टू ब्लैंक डिप्लॉय डिड्यूस इंट्रोड्यूस इम्प्लाय अ वायरस। अब इम्प्लाय आपका होता है इशारा करना, इंडिकेट करना। अब यहाँ तो मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेट समवन टू इशारा करना, समवन टू इंडिकेट अ वायरस, इसको इशारा करेगा नहीं। फिर आपके पास डिप्लॉय, डिप्लॉय होता है किसी ना किसी चीज़ में ऐड होना, आप किसी चीज़ में इंक्लूड होते हो, यानी कि आर्मी में, पुलिस में, इन सब चीज़ में वो होता है डिप्लॉय आपका, इस चीज़ में ऐड ऑन होना। फिर डिड्यूस मीन्स रिजल्ट निकालना। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोड्यूस, सो व्हाट मोटिवेट समवन टू ब्लैंक। अब यहाँ पर भी क्या होता कि इंट्रोड्यूस हो रही थी वो चीज़, तो इंट्रोड्यूस बाय अ वे। अब यहाँ पर भी क्या है, समवन टू इंट्रोड्यूस अ वायरस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ इनोसेंट विक्टिम, कि कौन मोटिवेट करेगा उसको कि जो वो क्या करे, इंट्रोड्यूस करे एक वायरस को इसमें कंप्यूटर में एज अ इनोसेंट इनोसेंट विक्टिम्स। नेक्स्ट आगे क्या है, परहैप्स इट सिंपली टू डिजायर द प्रूफ दैट इट कैन बी डन और बिकॉज इट गिव्स द काइंड ऑफ ए प्लेजर यू गेट फ्रॉम सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ डेज पीपल प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर, कि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो डिफिकल्ट हैं, और अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को डालकर अपने कंप्यूटर में। सो इट टेक्स कंसिडरेबल, सो ये क्या करेगी, कंसिडरेबल ब्लैंक कंजप्शन रेग्रेट स्किल डिग्री टू ब्रेक थ्रू ऑल द डिफेंसिस एंड इंट्रोड्यूस अ वायरस। देखो यहाँ पर भी हमें हिंट मिली, इंट्रोड्यूस अ वायरस, और यहाँ पर भी हमारा क्या था, इंट्रोड्यूस अ वायरस। सो यहाँ पर क्या है, अब वो क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उन्होंने डाले, तो इट टेक्स कंसिडरेबल, तो ये क्या करेगी, इसमें कंसिडरेबल क्या होंगी, कंजप्शन की बात तो यहाँ पर है नहीं, कि कंप्यूटर क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है या फिर कोई मेमोरी की बात हुई है, तो ये नहीं आएगा। रेग्रेट होता है आपका पछतावा करना किसी चीज़ पर। अब डिग्री की किसी यहाँ पर कोई एजुकेशन की बात हुई नहीं है, तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास कौन सा, स्किल, कि कंसिडरेबल क्या है, ये स्किल है जिसमें हमने क्या किया है, एक एंटीवायरस को हमने लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज इंडीड अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कि जो इसके ऊपर आप देखो लाइट के ऊपर है, लाइट में एनर्जी की बात हुई कि एनर्जी की फॉर्म है, देन एक काइंड ऑफ क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम रेडियो वेव से डिफरेंस नहीं है, टेलीविजन सिग्नल हीट एंड एक्सरे से भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ वेव्स, इनकी सभी किससे बनी हुई है, वेव से बनी हुई है, दैट ब्लैंक बैंड इंटरफेयर विद वन अनदर एंड रिएक्ट विद ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ रेदर लाइक वेव्स इन वॉटर। तो ये सब क्या करेंगी, वेव से बनी हुई है, एंड दैट, अब दैट कर्व तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारे पास बैंड। फिर आया अक्कर, अक्कर किसी चीज़ से बंद थोड़ी ना रही है, कि कहाँ से है, क्या कर रही हैं आपकी, आ रही हैं। फिर आपके पास है इन्फ्लिसिट, अब इम्प्लिसिट होता है किसी चीज़ को इम्पोज कर देना, ज़बरदस्ती थोप देना। अब यहाँ तो हम लाइट क्या कर रहे हैं, अलग अलग से क्लियर बता रहे हैं कि वो जो लाइट है वो मेडअप है वेव से, उस चीज़ के ऊपर हम ज़बरदस्ती नहीं डाल रहे कि वो उसी चीज़ से बनी है। तो लाइट क्या होती है, हमारी फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो एक प्रॉपर वर्ड है हमारे पास कि दैट स्प्रेड, कि वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, बैंट हो रही है, इंटरफेयर कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो रही है, रिएक्ट कर रही है जो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। फिर रेदर लाइक अ वेव इन वॉटर, वेव जैसे। फिर आगे हैं, अ फिजिस्ट माइट टेल यू दैट लाइट अलोंग विद ऑल इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेटिव्स इज रियली अ फॉर्म ऑफ मैटर। अब जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो आपकी ये लाइट है ये किससे बनी है, मैटर से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन लिटिल डिफरेंट है फ्रॉम मोर। अब मोर किससे, किससे मोर, मोर मैटर, अब कौन सा मैटर, सच एज हाउसेज, हाउसेज से, एंड लाइक देम इट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब तक तो हमें क्या पता था कि जो लाइट है वो मैटर से बनी है, लेकिन अब क्या कहा उन्होंने, वो मैटर से भी हो सकती है, अलग अलग पार्टिकल से भी हो सकती है, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल से। सो
फ्रॉम मोर। अब इनविजिबल, इनविजिबल वो होगी जो कुछ भी दिखाई ही ना दे हमें। वैल्यूएबल जिसकी कोई कीमत हो। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देना। सो एब्स्ट्रैक्ट मैटर ये नहीं आएगा। ऑप्शन आएगा हमारे पास सब्सटेंशियल मैटर, कि आपका जो एक इम्पोर्टेंट लार्ज आपका क्या होगा, मैटर होंगे सच एज हाउसेज, उनमें क्या होती है डिफरेंट होती है इनसे। फिर आगे आपका है लाइट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। अब एक लाइट पार्टिकल्स की बात आ गई, यहाँ पर पार्टिकल वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था कि पार्टिकल्स से बनी होती है, फिर यहाँ पर लाइट पार्टिकल्स की बात आई, कॉल्ड फोटॉन्स को हम फोटोन बोलते हैं। ट्रैवल इन स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स में तैर वो ट्रैवल करता है वो, सिमिलर टू द वे इन विच वाटर पोर्स थ्रू अ होज, जैसे आपके वाटर के पोर्स मूव करते हैं ट्रीज वगैरह में। टू मोस्ट पीपल दिस माइट साउंड पैराडॉक्सिकल और इलॉजिकल, कुछ पीपल लोग इसको क्या मानते हैं कि ये सब जो साउंड है आपका लाइट्स वगैरह का, ये सब क्या है इलॉजिकल है, भ्रम है, वो है, इन्हें कोई भी लॉजिक नहीं बैठता। एज मैनी थिंग्स टू डू विद फिजिक्स सीम टू दिस डे, तो फिजिक्स ने क्या किया बहुत सारी चीज़ें की। हाउ कैन लाइट बी बोथ एनर्जी एंड मैटर, वेव एंड पार्टिकल, सबसे पहले उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि जो लाइट है वो एनर्जी एंड मैटर, वेव एंड पार्टिकल कैसे हैं। तो द रीज़न इट कैन बी इज द रीज़न, अब इस चीज़ का रीज़न फाइंड आउट करने के लिए, इन फैक्ट कि हालांकि, नोट एट ऑल कि नोट एट ऑल कि पूरा सब कुछ क्या नहीं है, ब्लैंक अपेरेंट कॉम्प्लिकेटेड एब्रप्ट इम्प्लीसिट, ऑल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, कि नोट एट ऑल अब अपेरेंट होता है बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना, अब्रप्ट होता है सडन, इम्प्लीसिट होता है कि थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी, इतनी भी ज़्यादा नहीं लेकिन इतना टफ भी मत होना, बस अनक्लियर होना थोड़ा सा, वो क्या होता है आपका इम्प्लीसिट। और आपका यहाँ पर क्या है, नोट एट ऑल ब्लैंक ऑल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, वो क्या है एनर्जी क्या है, मैटर की एक फॉर्म है। नोट एट ऑल जब क्लियर दे दिया उन्होंने, हम आंसर बता दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नोट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, कि सभी क्या है आपके ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें। ऑलमोस्ट एवरीबडी रिकोगनाइज कि सभी ने क्या पहचाना, इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, अगर उनको अंडरस्टैंड भी नहीं थी चीज़, तो आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन आई E=MC2 विच स्पेल इट आउट, उसने क्या किया इसको फाइंड आउट कर दिया। E refers to energy and M to the mass of matter. Furthermore, all matters has some of the characteristics of waves and some of the particles. But the waves of such solid seeming things as houses are not. अब इन्होंने क्या बोला? Furthermore, आगे क्या हुआ? जो all matter हैं, उनकी कुछ characteristics हैं waves की और कुछ हैं particles की. But जो waves हैं of such solid seeming, जो solid दिखती हैं things as houses, जैसे houses हैं, आर नोट एंड कैन जनरली बी इग्नोर्ड, और उनको इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज ऑर्डिनरी मैटर्स एक्ट एज इफ इट वर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अगर वो पार्टिकल से बनेंगी। सो अब यहाँ पर क्या, हाउसेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो हमें पता ही नहीं। एक्यूरेट की एक्यूरेट नहीं है, हाउसेज एक्यूरेट होंगे। डिसर्नेबल होता है कि कोई भी चीज़ आपकी जो क्लियर हो। फिर कंजिक्यूटिव लगातार, यहाँ पर डिज़ाइन की तो बात है, यानी कि हमारे जो घर हैं वो कैसे हैं कंटिन्यू हैं। यहाँ पर क्या है, सॉलिड सीमिंग थिंग्स सच एज हाउसेस आर नॉट डिसर्नेबल, यानी कि क्लियर नहीं है ये चीज़, तभी हमने इसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। डिसर्नेबल का मीन्स होता है क्लियर है चीज़, बट नोट आया, सो मीन्स ये जो आपकी वेव्स थी वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है इस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरी वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनी पीपल टूडे थिंक ऑफ कल्चर इन द वे दैट इज इट वॉज थॉट ऑफ इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड 19th अर्लीस्ट 19th सेंचुरी, यानी कि किसके बारे में है, कल्चर के बारे में है, किसकी बात हुई है, यूरोप की बात हुई है। फिर दिस ब्लैंक ऑफ द कल्चर, फिर से कल्चर रिफ्लेक्टेड इनइक्वलिटीज विद यूरोपियन सोसाइटीज एंड देयर कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के बारे में है ये। सो यहाँ पर क्या आया, दिस ब्लैंक, अब क्लासिफिकेशन कंसेप्ट रेनोवेशन आइडेंटिटी ऑफ कल्चर रिफ्लेक्टेड इनइक्वलिटीज, क्या कर रही है वो, उन इनइक्वलिटीज को सामने लेकर आ रही है, विद इन यूरोपियन सोसाइटीज में थी एंड देयर कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड, जो उन कॉलोनीज में थी अराउंड द वर्ल्ड थी। तो दिस क्लासिफिकेशन
क्या यहाँ पर पहले कोई बात हुई है कि जो आपका कल्चर है उसकी क्लासिफिकेशन हुई है? यहाँ पर तो कल्चर के बारे में सिंपल एक बात चली हुई है, यानी कि एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में भी थॉट चल रही है कि यूरोप में 18th सेंचुरी के दौरान और 19th सेंचुरी के दौरान ये सब कुछ हुआ होगा। सो रेनोवेशन, रेनोवेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को रेनोवेट कर देना, नया मतलब मरम्मत कर देना, वो भी नहीं चल रही यहाँ पर, सिर्फ एक थॉट हो रही है, सोचा जा रहा है उसको। आइडेंटिटी ऑफ कल्चर, कहाँ पर हमें पहचान मिली है, कहाँ पर हमने बात किया कि उसकी आइडेंटिटी है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी कंसेप्ट आया है, एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है कल्चर। तो ये दिस कल्चर क्या करेगा, आगे हमारा रिफ्लेक्ट करेगा उन इक्वलिटीज को, आगे क्लासिफिकेशन होगी इनकी। सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, जो ये अंडरस्टैंडिंग आएगी उससे क्लासिफिकेशन से, इक्वेट्स कल्चर विद सिविलाइजेशन एंड कंट्रास्ट बोथ विद नेचर और नॉन सिविलाइजेशन। तो इनके साथ उसका कंपैरिजन होगा सिविलाइजेशन के साथ और नेचर के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, सम कंट्रीज आर मोर सिविलाइज देन अदर्स, कि कुछ कंट्रीज ज़्यादा सिविलाइज हैं अदर्स से, एंड सम पीपल आर मोर कल्चर्ड देन अदर्स, और ज़्यादा कल्चर्ड हैं औरों से। एनीथिंग दैट डजंट, अब एनीथिंग की कुछ भी इस चीज में डजंट इन टू दिस कैटेगरी इज लेबल्ड एज चाओस और एनार्की, यानी कि अब हर एक चीज क्या है कि इस कैटेगरी के अंदर कैसी आएगी, डजंट कट, अब कट की क्या चीज कट करें हम, हमें पता ही नहीं, डिसमिस कि उनको हम क्या कर दें, निकाल दें। अब एनीथिंग दैट डजंट डिसमिस इन टू दिस कैटेगरी, डिसमिस क्या कर रहे हैं, कैटेगरी में क्या चीज होगी आपकी, फिट, कि डजंट फिट इन टू दिस कैटेगरी, कि हर एक चीज इसके अंदर आपकी इंक्लूड नहीं हो सकती। फ्रॉम द परस्पेक्टिव कल्चर इज क्लोजली टाइड टू कल्टिवेशन विच इज द प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन, अब कौन सी रिफाइनमेंट ह्यूमन की, कि इन टू दिस कैटेगरी इज लेबल्ड एट चाओस और एनार्की, सॉरी यहाँ से, विच इज द प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन ब्लैंक। इन प्रैक्टिस कल्चर रेफर टू एलाइट गुड्स एंड एक्टिविटीज सच एज हॉट क्यूजिन, हाई फैशन और हॉट कल्चर। सो यहाँ पर क्या आएगा, ह्यूमन का क्या आएगा, अब रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ते हुए ह्यूमन की किस चीज़ के बारे में बात की करेंगे, ब्लैसिंग, ब्लैसिंग तो कोई देता है ना हमें, तो ये नहीं आएगा। कर्स होता है कि हम किसी चीज़ के लिए धिक्का रहे हैं, हमें मतलब कोई अभिशाप मिला हुआ है, तो ह्यूमन एक अभिशाप तो नहीं होंगे प्रोग्रेसिव के लिए, ये भी नहीं आएगा, पॉजिटिव वर्ड है। हैबिट, अकेले ह्यूमन की हैबिट की बात नहीं होगी, पूरा बिहेवियर की बात होगी यहाँ पर। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा ह्यूमन बिहेवियर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो, फॉर एग्जाम्पल समवन हु यूज्ड कल्चर इन दिस सेंस, कि जो कल्चर को इस सेंस में यूज करेंगे, माइट ब्लैंक आर्ग्यू डाउट प्रिटेंड डिनाई दैट क्लासिकल म्यूजिक इज मोर रिफाइंड देन म्यूजिक बाय वर्किंग क्लास पीपल सच एज जैज और इंडिजिनस म्यूजिक ट्रेडिशंस ऑफ ओरिजिनल पीपल। यानी कि वो क्या कर रहे हैं अब, कि जो ये वाला म्यूजिक है ये ज़्यादा अच्छा है इस वाले म्यूजिक से जो वर्किंग लोग लेकर आ रहे हैं। सो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डाउट करेंगे, डाउट नहीं आएगा, शक नहीं करेंगे, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अपना अधिकार दिखा रहे हैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती, ये भी नहीं कर रहे, डिनाई मना कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ एक आर्ग्यू कर रहे हैं सिंपल सा कि ये वाला जो म्यूजिक है ये ज़्यादा अच्छा है उस वाले म्यूजिक से। अब मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्विकली करेंगे। सो कहाँ से स्टार्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी फुटेज इन कोर्ट रूम्स, अब किसके बारे में है ये, पहले तो सिक्योरिटी फुटेज, और किस में हो रही है सिक्योरिटी फुटेज हमारी, कोर्ट रूम्स में, एज एविडेंस इज इंक्रीजिंगली कॉमन, अब जो एविडेंस थे वो इंक्रीजिंगली क्या है, कॉमन है, विद द नंबर ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन, अब सीसीटीवी की बात आ गई और यहाँ पर थी सिक्योरिटी फुटेज की बात में, और कहाँ पर है ये, कोर्ट रूम्स की बात है। कैमराज राइजिंग द लाइकलीहुड ऑफ इमेजेस डीम्ड रेलेवेंट फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग बींग रिकॉर्डेड ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि इमेजेस भी होती हैं और जो आपका क्रिमिनल होता है उससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग भी होती है। हाउएवर, हालांकि, वाइल सीसीटीवी फुटेज में आर्ग्यूएबली हैव असिस्टेड इन अचीविंग ब्लैंक इन सम हाई प्रोफाइल केसेस, कैन इट असिस्ट इन द ओवरऑल रिडक्शन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, अब यहाँ पर क्या है कि क्या हम इसको असिस्ट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं वायलेंस को कम करने के लिए वोमेन के साइड में। सो यहाँ पर क्या है, वाइल सीसीटीवी फुटेज में आर्ग्यूएबली हैव असिस्टेड इन अचीविंग, अब क्या चीज़ अचीव की है उसने, इन अचीविंग, अब देखो यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज होता है, हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। फिर डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लेमर्स होता है अपनी बात से बिल्कुल ही पलट जाना, ये थोड़ा सा बहुत कोर्ट से रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट है कनेक्शंस। अब कनेक्शंस किस चीज़ के कनेक्शन, इन सम हाई प्रोफाइल केसेस, हम अलग अलग केसेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, एक केसेस की बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कनेक्शंस इन सम हाई प्रोफाइल केसेस मे आर्ग्यूएबली हैव असिस्टेड इन अचीविंग कनेक्शंस। अब हर एक केस की अलग अलग चीज़ होती है, सभी के हम कनेक्शन तो नहीं बना सकते। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास कन्विक्शंस, मीन्स कि उस दोषी को फाइंड आउट करना, सक्सेस पाना कि किसने जो वो काम है वो किया है, उस इंसान को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सक्सेस हमें अचीव होगी, अचीविंग कन्विक्शंस हमने बिल्कुल ये फाइनल करने के लिए कि हाँ इसने ये क्या किया है, ये काम किया है। सो नेक्स्ट है ए वेल नोन एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ सीसीटीवी हेल्पिंग सॉल्व अ क्राइम इन द फुटेज पुल्ड फ्रॉम अ शॉप ऑन सिडनी रोड द नाइट जिल मैगर वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय एड्रियन बेली। अब ये क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उसने हेल्प किया था एक क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें पता चला था कि एक शॉप के अंदर क्या हुआ था, सिडनी रोड पर रेप हुआ था और मर्डर हुआ था बाय एड्रियन बेली के द्वारा। सो दिस फुटेज वॉज मैंशन इन हीज सेंटेंसिंग इन 2013, यानी कि जो ये वाली जो फुटेज थी ये 2013 में उसको फांसी की सजा देने के लिए क्या हुई थी, काम में आई थी। इन द सेम ईयर, इसी ईयर में सिमोन गिटनी वॉज फाउंड, अब वॉज फाउंड वो क्या मिले, ब्लैंक ऑफ द मर्डर ऑफ हिज पार्टनर लीजा हर्नम। इनका जो मर्डर था अपने पार्टनर का, उसके मर्डर केस में क्या मिले, वॉज फाउंड, अब गिल्टी, गिल्टी होता है कि उसको थोड़ी सी ये महसूस हुआ कि हाँ ये काम मैंने किया है। फिर एक्सेसिव, ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर एक्सेसिव कोई सेंस ही नहीं कि वो वॉज फाउंड एक्सेसिव ऑफ द मर्डर। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव होता है आपका जुनूनी होना किसी चीज़ को करने के लिए, बिल्कुल रेडी रहना कि ये काम मैंने करना ही करना है। अबंडेंट, अबंडेंट होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि वो वॉज फाउंड गिल्टी, कि गिल्टी मिला ऑफ मर्डर ऑफ हिज पार्टनर लीजा हर्नम। नेक्स्ट, सीसीटीवी फुटेज टेकन फ्रॉम हिज ऑन सिक्योरिटी कैमराज, उसे खुद के सिक्योरिटी कैमरा से लिया गया था, वॉज अगेन ब्लैंक इंटरप्रेटेड चेंज्ड डिसिप्लिन्ड एंड डिक्टेट एज की एविडेंस। अब उसे खुद के सिक्योरिटी कैमरा से लिया गया है और वॉज अगेन, अब उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज अ की एविडेंस। की एविडेंस मीन्स बहुत पक्का सबूत है वो, सो चेंज नहीं हो सकता। डिसिप्लिन्ड, हम उसको ऐसे थोड़ा नहीं चला सकते हैं सीसीटीवी को, जो चीज़ हो रही होगी वो अपने अकॉर्डिंग हुई होगी। डिक्टेटेड, हम उसको प्लान नहीं कर रहे कि हम पहले उसको सुन रहे हैं फिर उसको राइट कर रहे हैं, देख रहे हैं राइट कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इंटरप्रेटेड, कि वो क्या कर रहा है, जैसा था वैसा हम उसको बार बार देख सकते हैं। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर जो है, न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स आर सैचुरेटेड विद द यूज़ ऑफ सीसीटीवी फुटेज, कि उन्होंने भी क्या किया था, उसे सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग इस क्राइम को बताया था। इन बोथ कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ ऑफ्टन सीन टू बी, ये कैसा दिख रहा है, ब्लैंक, डाउटफुल, डिसिसिव, इंक्लूसिव, इंसिसिव एंड अथॉरिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव विटनेस दैट कॉल टेल अस व्हाट रियली हैपन्ड, कि जो हमें क्या बताए कि रियली में क्या हैपन्ड हुआ था। सो डाउटफुल तो इस मैटर में आएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है। डिसीजिव आपका होता है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो डिसीजन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इंक्लूसिव होता है किसी चीज़ को ऐड ऑन कर देना, यहाँ पर हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। इंसिसिव होता है बीच बीच में से कट कर देना। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास डिसीजिव, जब वो डिसीजन लेने के लायक होगा तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था। While used in a range of offences, its inclusion in instances of extreme and public violence against women can mean certain images received significantly and sustained media. अब ये क्या करेंगे, sustained media blank and may remain online indefinitely. The strength of CCTV in our public consciousness in such that question of privacy are often dismissed as inconsequently. अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना कि सस्टेंड करेंगी मीडिया, मीडिया की क्या करेंगी, अबॉर्शन, मीडिया के लिए अबॉर्शन नहीं आएगा। कंसेप्शन,
कि मीडिया क्या चीज़ मानती है। अब हमें उनकी इस चीज़ से थोड़ी लेना है। यहाँ पर बात हुई है कि जो वायलेंस हुई है अगेंस्ट वुमेन के, उसमें मीडिया क्या करेगी, अब्रप्शन कि वो अब्रप्ट करेगी, बीच बीच में कहीं से वो कोई ना कोई वाद विवाद लेकर आएगी, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मीडिया की क्या होगी, वहाँ पर अटेंशन होगी, मीडिया ऐसे मामलों में क्या करेगी, ध्यान लगा के रखेगी। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आपके सेप्टेम्बर की प्रिडिक्शन फाइल से भी हैं और जो आपके हालांकि अभी रिसेंटली एग्जाम में आए क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन भी हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।